नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ 11 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनके लिए कुछ ना कुछ खबर है और कल खबरों के दम पर एक्शन होगा आपके लिए। शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक। आप सभी को रिसेंटली मैंने बताया था कि इसमें वेदांता ने स्टेक सेल करा है और उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड दिया ₹19 प्रति शेयर का, और उसकी भी एक्सडेट है आपके लिए अपकमिंग वीक में, यानी कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, एग्जैक्टली 28 अगस्त को कंपनी का शेयर ₹19 प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। साथ ही साथ कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सरकार भी इस स्टॉक में OFS के जरिए सेलिंग कर सकती है वन और मोर ट्रांचेस में, यानी कि हो सकता है एक ही बार में बिकवाली कर दे या थोड़ा 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 करके बेचे। अभी कितना परसेंट बेचेगी गवर्नमेंट, कब बेचेगी, किस प्राइस पे बेचेगी, इसको लेकर कोई भी अपडेट खबर नहीं आई है। बस इतनी न्यूज मार्केट में है कि सरकार भी हिस्सा बिकवाली कर सकती है। सेकंड स्टॉक है इरेडा, सेम न्यूज यहां भी है, इसमें बस थोड़ी सी अपडेट एक्स्ट्रा है। यहां पे गवर्नमेंट में सेल अप टू 10% स्टेक इन वन और मोर ट्रांचेस। यहां पे 10% का नाम भी सामने आया, ये भी हालांकि प्रॉपर न्यूज नहीं है, है तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से रूमर ही, लेकिन इरेडा में भी एक खबर ये जरूर है कि सरकार 10% तक हिस्सा बिकवाली कर सकती है एक बार में या फिर मोर ट्रांचेस में। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन, जहां पे खबर ये है कि कंपनी को 478 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं MMRDA से, तो ये स्टॉक कल आपके लिए पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट करना चाहिए। अदरवाइज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो ये स्टॉक ऑर्डर्स के दम पर नहीं चलता है, मतलब मैंने नहीं देखा, मैंने एक दो बार पहले भी कवर किया है कि ऑर्डर मिले हैं चलना चाहिए, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं बट शेयर गैप अप आ जाता है 2-3% फिर नीचे चला जाता है, तो इसमें तेजी बननी तो चाहिए बट हम उतना कॉन्फिडेंसली नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है SBI। SBI की तरफ से खबर है कंपनी 5000 से 7.5 हजार करोड़ का फंड रेज कर सकती है, लेकिन ये फंड रेज टायर 2 बॉन्ड इशू के द्वारा होगा, यानी कि आप ये नहीं कहोगे कि OFS आ रहा है या बिकवाली हो रही है या FPO आ रहा है, ना जी, बॉन्ड के जरिए पैसा ले लेगी कंपनी। नेक्स्ट है आपका NBCC। कंपनी ने 6 सितंबर की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है अपने डिविडेंड के लिए, जो कि 63 पैसे का कंपनी ने दिया था। नेक्स्ट है करुण व्यासा बैंक। कंपनी की तरफ से खबर आ रही है कि RBI ने SBI को, SBI म्यूचुअल फंड को अप्रूवल दे दिया है कि आप चाहो तो इस स्टॉक में 9.99 यानी अप टू 10% एक म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में स्टेक ले सकता है, तो यहां पे अप्रूवल मिल गया है RBI की तरफ से SBI म्यूचुअल फंड को कि आप 10% तक उठा सकते हो, स्पेसिफिकली 9.99% होता है और उतना ही अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी के लिए हल्की नेगेटिव साइड पे न्यूज है। कंपनी सेज USFDA टुडे कंप्लीटेड अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन एट आवर फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। ये तो नॉर्मल न्यूज है, लेकिन अभी आता हूं मैं नेक्स्ट पे। कंपनी सेज द इंस्पेक्शन वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 19th अगस्त 2024 टू 23 अगस्त। 19 अगस्त से 23 अगस्त तक एक इंस्पेक्शन जांच चली थी और उस जांच में 3 ऑब्जर्वेशंस पाई गई हैं, 3 आपत्तियां पाई गई हैं। अब ये उस आपत्तियों को एड्रेस करेंगे जिस टाइमलाइन में इन्हें करना है, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है डॉक्टर रेड्डी की तरफ से, जो स्टॉक आपको डेफिनेटली कल हो सकता है हल्की नेगेटिविटी भी शो करता हुआ दिखे, क्योंकि ये 3 आपत्ति छोटी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका बजाज इलेक्ट्रिकल, सेम कवर इसमें भी है कि आपके लिए म्यूचुअल फंड को रिलीफ दिया गया है कि भैया रिलीफ नहीं, म्यूचुअल फंड है आपका HDFC म्यूचुअल फंड। अब इसमें ये थोड़ी डिफरेंट न्यूज़ है। कंपनी ने कहा है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया है 6.38% से 9.28% का स्टेक हो गया है, ऑलमोस्ट बड़ा स्टेक बढ़ाया है, 3% के स्टेक समथिंग रेज करा है, मैंने कल भी इस अपडेट को शेयर किया था। ये पॉजिटिव न्यूज है इस स्टॉक के लिए, इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो HDFC म्यूचुअल फंड जब स्टेक बढ़ा रहा है देन डेफिनेटली उन्हें इसमें ग्रोथ दिख रही होगी, तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें तेजी देखने को मिले। अगला स्टॉक है दोस्तों IDFC, इसके लिए पॉजिटिव खबर है, कंपनी गेट्स इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 203 करोड़ रुपीज, तो टैक्स रिफंड आया है 203 करोड़ का, तो पॉजिटिव न्यूज बोलूंगा मैं। नेक्स्ट है KEC इंटरनेशनल, 1079 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, 4-5% गैप अप आ जाएगा ये स्टॉक, ये रिएक्ट करता है अपने ऑर्डर्स पे और गैप अप आ जाता है। नेक्स्ट है आपका गोल्डमैन सैक्स, कोई स्टॉक नहीं है, अपडेट बढ़ी है तो शेयर कर रहा हूं।
गोल्डमैन सैक्स ने भारत की फुल ईयर की गाइडेंस में कटौती करी है, रियल जीडीपी की गाइडेंस में कटौती करी है 20 बेसिस पॉइंट से, और अभी 6.4% की ये करंट कैलेंडर ईयर में ग्रोथ, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में ग्रोथ देख रहे हैं, 2025 के कैलेंडर ईयर की बात करी है उन्होंने। नेक्स्ट स्टॉक है इरेडा, जिसके बारे में मैंने बता दिया, हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। तो ये 11 स्टॉक्स हैं जिनके लिए खबर आते हुए दिख रही है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।